भजन संहिता 34 परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी स्तुति, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी के हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। हे लड़को, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे? अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। परमेश्वर आपको आशीष दें।